गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन के टू मेथड डिस्कस करेंगे, फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड। अब सबसे पहले यहाँ पर है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में हमारे पास क्या है, जो यहाँ पर नंबर आएंगे वो सभी कैसे नंबर आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। आप ऐसे नहीं है जैसे इसमें है, आप ये 4 की टेबल से भी जा सकता है, 5 के से भी, 10 के से भी, तो ऐसे आपको नहीं करना। मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है जो ये नंबर होंगे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है, तो आपको यहाँ पर प्राइम नंबर से ही करना है। और सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करना है। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे ऑर्डर वाइज आप चेक करते जाएंगे। जिसकी टेबल से भी वो नंबर जा रहा है वहीं से आप स्टार्ट कर दें। तो यहाँ से देखिए 75। अब 75 कल हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा था। अब 75, 7 प्लस 5 कितना मिला, 12, और 12 किससे जाएगा, 3 से, 3 4 जा 12, तो ये 75 जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अब 3 की टेबल से जाएगा, 3 2 जा 6। अब यहाँ 7 में से 6 माइनस किया तो ये क्या मिल गया, 1 रिमाइंडर। अब 1 रिमाइंडर आया तो ये कितना बन गया, 15। अब 3 की टेबल में 15 कब आएगा, 3 5 जा 15। अब यहाँ आपको क्या मिला, 25। अब 25 देखो, 5 प्लस 2 7, अब ये तो 3 की टेबल में नहीं जाता, तो हम अब चेक करेंगे 5 से, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। अब 5 के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा था, या तो जो वंस प्लेस है उस पर 5 हो या 0 हो, तो यहाँ वंस प्लेस पर 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो जो 75 है उसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 3 5 5, तो क्या क्या लिखा, 75 इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है 242। अब देखो यहाँ लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 का मतलब क्या है, लास्ट वाला नंबर है वो इवन नंबर है। अब ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2 में हमने क्या पढ़ा था, जो लास्ट नंबर है वो इवन है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब उसके बाद हम चेक करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या मिला, 4। अब 4 ना तो 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 1 है, ना ये 3 से डिविजिबल है, और उसके बाद प्राइम नंबर आता है 5, 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है। उसके बाद आता है 7, 7 से भी चेक करोगे 1 का डबल करके 12 में से माइनस करना, तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11। अब 11, 11 की टेबल को आप करोगे 11 बन जा 11, तो 12 में से 11 को माइनस किया 1, 11 बन जा 11 1, तो इसके हमारे पास फैक्टर क्या क्या आए, 2 11 11, तो 242 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 2000। अब आपको पहले ही मैंने बताया कि सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर से। अब सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। अब 2 से हमने चेक किया, लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 2 1 जा 2, बाकी 3 0 है वो एज इट इज, फिर लास्ट में वही 0 है, फिर 2 की टेबल से जाएगा, 2 5 जा 10 0 0, फिर लास्ट में वही 0 है, इवन नंबर है, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 रिमाइंडर आया, 1 रिमाइंडर आया तो ये क्या बन गया, 10, 2 5 जा 10 0, फिर लास्ट में 0 है, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, अब यहाँ पर 5, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आया तो ये 10 बना। अब 2 5 जा 10, अब यहाँ पर लास्ट नंबर जो आया वो 5 आया, तो 5 आया तो 5 लास्ट डिजिट है इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम 3 से चेक करेंगे, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, अब 8 3 की टेबल में नहीं आता तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब लास्ट में डिजिट है 5, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से,
फाइव टू जा टेन, ट्वेल्व में से टेन को माइनस करेंगे, टू रिमाइंडर आया, अब टू इसके साथ लगाएंगे, ट्वेंटी फाइव बना, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव आपको पता ही है, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। अब 2000 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, कितने टाइम्स 2 आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है 1 2 3 4, और 5 है 1 2 3, 3 टाइम्स 5 है। तो ये सभी इसके क्या है, प्राइम फैक्टर। तो ये मेथड क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन का डिवीजन मेथड। अब इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन का सेकंड मेथड है फैक्टर ट्री मेथड। आपको देखा होगा जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं ऐसे अलग अलग से निकल के जा रही है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, फैक्टर ट्री मेथड। अब देखो मैंने सेम उन्हीं नंबर को लिया है, 75 को, 242 को, 2000 को, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए। अब 75 की हम करेंगे सेम वैसे ही कि 75 7 प्लस 5 क्या मिला, 12। अब 12 किससे डिविजिबल है, हमारे पास 3 से डिविजिबल है, तो 3 की टेबल में 3 टू जा 6 1 आया 15 बना, अब 3 5 जा 15 3 और 25। अब 3 के आगे कोई फैक्टर बनेगी नहीं, 3 प्राइम नंबर है, अब ये प्राइम नंबर है इसलिए मैंने इस पर राउंड लगा दिया। फिर 25 के टुकड़े करेंगे, 25 क्या होगा, 5 5 जा 25। अब देखो यहाँ पर जो जो प्राइम नंबर आए हैं उन सब पर मैंने राउंड लगा रखा है, वो इसके क्या हैं, फैक्टर हैं, 3 5 5। वहां से भी आप चेक करें 3 5 5, आपको और किसी नंबर पर राउंड नहीं लगाना, सिर्फ जो प्राइम नंबर है वही राउंड लगाना है, वही उसके फैक्टर होंगे। नेक्स्ट है 242। अब लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से डिविजिबल है, अब एक फैक्टर तो हो गया 2, अब 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो नेक्स्ट आया 121। अब 2 प्राइम नंबर है, 2 पर राउंड आ गया, अब 121 अभी वहां से पूरा डिस्कस किया था सेम वैसे ही, किसकी टेबल से जाएगा, 11, 11 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 121। अब जो जो प्राइम नंबर है उस पर राउंड लगा दिया, तो 242 के फैक्टर क्या है, 2 11 11। अब नेक्स्ट है 2000। अब 2000 के देखो आप 2 से डिवाइड करोगे, अब 2 से करेंगे तो कितना आया, 1000। अब ये प्राइम नंबर था, राउंड हो गया, अब 1000 फिर 2 की टेबल में आता है, अब 2 5 जा 10 0 0, फिर 2 पर राउंड लगा दिया क्योंकि प्राइम नंबर है, आगे तो फैक्टर बनेंगे नहीं। फिर 500 फिर 2 से जाएगा, 2 और 250। अब 250 आने के बाद यहां से देखो, अब हमने इसके फैक्टर क्या क्या बनाए, सिंपल से बना दिए मैंने 25 और 10, जबकि यहाँ मैं 5 से करके भी इसको बना सकती थी तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा। अब मैंने इजी करने के लिए, मेरे को सीधा पता लग रहा है 25 मल्टीप्लाई 10 250 होता है, तो इजी करने के लिए उसको 25 और 10 उसके फैक्टर बनाए। फिर 25 के फैक्टर आपको पता है 5 5, 10 के फैक्टर पता है 2 5, तो ये जो नंबर है 2 2 2 5 5 2 5, ये सभी इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप अगर ऐसे फैक्टर बनाओगे तब भी क्वेश्चन राइट है, ऐसे फैक्टर बनाओगे तब भी आपका राइट है, यहाँ आके इसके फैक्टर चेंज कर दोगे तब भी राइट है। अब देखो 2000, अब मेरे को 4 की टेबल आती है, मेरे को पता है 4 की टेबल में भी 20 आता है, अब 4 5 जा 20 0 0, अब 4 के फैक्टर बनाए 2 इंटू 2 4, अब इसके फैक्टर बनाए 2 इंटू 250। अब देखो यहाँ 250 के, यहाँ तो मैंने 250 के 25 और 10 बनाए हैं, यहाँ मैंने 250 के 5 और 50 बनाए हैं, तो उससे आपके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो 5 और 50, अब 5 प्राइम नंबर है, राउंड लगा दिया, अब 50 के टुकड़े बनाएंगे, अब 50 के क्या आ जाएंगे, 5 और 10, अब 5 और 10 आ गया, 5 प्राइम नंबर है, 5 पर लगा दिया, अब 10 के टुकड़े करेंगे, क्या मिला, 2 और 5। अब आप चेक करोगे प्राइम नंबर, अब देखो वहां पर कितने टाइम्स 2 आया था 2000 में, 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4, और 5 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, 1 2 3, ऐसे ही आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4, 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3। अब क्वेश्चन में ये आ जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन बाय एनी मेथड,
तो आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों तरह से आपका क्वेश्चन राइट है। अगर वहां मेथड का नाम आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड या बाय फैक्टर ट्री मेथड, तो फिर आपको अलग अलग यूज करना पड़ेगा। बस ध्यान आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है कि ये जो नंबर आएंगे वो सभी प्राइम नंबर ही होने चाहिए। अगर आपके ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा यहाँ 4 से कर दे, फैक्टर ट्री में तो हमने 4 से कर दिया, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ लिखा है 2, 2, 2, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, यहाँ पर प्राइम फैक्टर है, वो तो फैक्टर ट्री था, इसलिए हम उसमें ऐसे लिख सकते हैं, प्राइम नंबर पर राउंड लगाया तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको आज होमवर्क में क्या करना है, डू एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन 1 बाय बोथ मेथड, दोनों मेथड से प्रत्येक क्वेश्चन करके दिखाना है। जैसे मैंने 75 को ऐसे भी किया, ऐसे भी किया, 2000 को ऐसे भी किया, ऐसे भी किया, आपके सेम आने चाहिए। अगर आपके ये सेम आ गए प्राइम फैक्टर, तो इसका मतलब आपको दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो इसीलिए आपको क्या करके आना है, एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 बाय बोथ मेथड्स। थैंक यू।